আলাদা আছে রোড করে तो आप मुझे बताइए आप यहाँ किस लिए आए हो? हम वोट डालने के लिए आए हैं। ये कि आप यहाँ किस लिए आए? हम इसलिए आ रहे हैं कि हमें अपना एक नुमाइंदा ऐसा चुनना चाहे जो आवाम की नुमाइंदगी करेगी, क्योंकि आवाम में जो आजकल के पिछले सालों से जो बेचैनी है वो दूर करने के लिए हमें नुमाइंदा चुनना चाहे। हमें अफसरों के साथ, बड़े अहकामों के साथ दफ्तरों में जाने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं जो हमारी नुमाइंदगी करे। आवाम बेचैन है, हमारी नुमाइंदा कोई है जो हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि यहाँ तरक्की की तरफ लोग लग जाएंगे। यहाँ बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, यहाँ जो महंगाई का जो मसला है वो भी दूर हो जाएगी। हम ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं, हम ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करना चाहे जो आवाम का हमदर्द होगा, जो हमारा खैर खा होगा, क्योंकि जिस बेचैनी ने कश्मीर को घेर लिया है उस बेचैनी को दूर करने के लिए हमें ये वोट डालना ज़रूरी है। आजकल हमारे पास बात सुनने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं, कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत इसलिए बनाना है क्योंकि जो लोगों की हमदर्दी करें, जो लोगों के दर्दों और दुखों को दूर करने के लिए सामने आ जाए। क्योंकि जहाँ पिछले सालों से जो गवर्नमेंटें यहाँ नहीं थी, अब अगर गवर्नमेंट बन जाएगी वो देखेंगे कि लोगों को क्या क्या मुश्किलात है, क्या क्या तकलीफात है, वो दूर करने के लिए हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने ऐसे नुमाइंदे को चुनाएंगे जो आवाम की खैर खा बन जाए, जो आवाम की नुमाइंदे करेंगे। ये हमारे पन ना तो बेवन तो क्या करने योर आम नाव में मीर जहांगीर अहमद गोस आमुत वोट त्रावनी बदलाव अन क्या सारे शरीफस मे वुक तान सख्ती आज यन पे पार्टी आये तन वो सख्ती आम वोटान ना पस खुद सवाल वापस पत् नान पक बुत वुचान क्या इसलिए बदलाव आज अन बस अमे वोट क्या क्या बदलाव हेकान क्या सपदान अमे वोट सकस वो तुम नौजवान कत वत वातनो सियासी पानो सियासी लीडरों कत वातन नौजवान पन मकसद हासिल कर बचो क्या वनो आम लुकस क्या फायद कमो क्या तरह तुम्हें आम लुकन क्या फायदे वातान आम लुकस प्रेत कह डेवलपमेंट रोजगार बाकी चीज अकिस आम इंसानस तमिक फायद आसान मगर यमन तम वनुक तम आपका नाम और आप यहाँ किस लिए आए? जी मेरा नाम फखरुल जमान है और मैं आज अपना पहला वोट कास्ट करने आया हूँ। मैं आज पहली बार वोट डाल रहा हूँ क्योंकि ये चराटी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये टाउन बहुत ही नेगलेक्ट हुआ है। जो भी हुक्मरान आए उन्होंने इस टाउन को नेगलेक्ट किया, इसको दूरअंदेश किया। अगर देखा जाए इसको बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से मॉडल टाउन ये पता नहीं 90s में दिया गया था। अगर इसको कटरा और चराटी शरीफ को एक साथ मॉडल टाउन दिया गया था तो अगर कटरा और इसको कंपेयर किया जाए उसके हिसाब से 5% भी डेवलप नहीं हुआ है तब से। तो इसलिए मैं अपना वोट कास्ट करने आया हूँ जावेद साहब के हक में। तो इसलिए मैं वोट कास्ट करने आया हूँ जावेद साहब के हक में, जो कि मुझे लगता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं यूथ की। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए आप यहाँ किस लिए आए हो? हम वोट डालने के लिए आए हैं।